गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज युवा दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी युवाओं से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जो टॉपिक अपने बीच में छोड़ रखा था उसको आज आगे बढ़ाते हैं और बड़े आराम से समझते हुए समझते हैं कि भारतीय मानसून जो है, भारतीय जलवायु जो है, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। और हमने यहाँ तक देख लिया कि भारतीय जो मानसून है उस मानसून में दो फैक्टर है। पहला हमने देखा तापीय सिद्धांत। कौन सा देखा? तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत। और तापीय सिद्धांत में हमने कहा कि मानसून की उत्पत्ति में जो सहायक कारक है वो तापमान है। मानसून की उत्पत्ति में क्या है? तापमान। दूसरा हमने कहा ITCZ। दूसरा जो सिद्धांत है उसमें हमने कहा कि ITCZ जो है, ITCZ जो है वो भारतीय मानसून को मजबूत करता है। ITCZ का सिद्धांत। और इन दोनों सिद्धांतों के बाद हमने कहा कि अपन देखेंगे बेटा जेट धाराएं। क्या देखेंगे? जेट धाराएं। और इसके बाद हमने बात की थी कि हम देखेंगे अलमिन। अलमिन व लानी। अलमिनो व लानी। अब देखो, समझो इस बात को। भारतीय जो मानसून है, भारतीय जो मानसून है उस मानसून को केवल ये चार फैक्टर ही प्रभावित नहीं करते। ये जो चार फैक्टर हैं केवल ये ही प्रभावित नहीं करते। क्यों नहीं करते? समझना। ये जो इसी के साथ अपन देखते हैं कि भारतीय मानसून जो है, भारतीय मानसून जो है इस मानसून को जो मजबूत करेगा वो प्रत्येक फैक्टर जो है वो भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत ये कहता है बेटा कि केवल केवल तापमान, केवल तापमान भारतीय मानसून को उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल तापमान नहीं कर सकता, केवल ITCZ जिसे अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं वो भी केवल भारतीय मानसून को उत्पन्न नहीं कर सकता। केवल जेट धाराएं नहीं कर सकती और केवल अलमीनो और लाल। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि जो आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक सिद्धांत ये कहता है कि कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारक हैं, वो सभी कारक मिलते हैं और सभी कारक मिलकर भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहला इन्होंने तापीय कारक माना, तापमान को माना। और तापमान में हमने देखा है कि तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। दूसरा इन्होंने कहा कि ITCZ भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तीसरा इन्होंने कहा जेट धाराएं, जेट धाराएं। और जेट धाराओं के साथ में इन्होंने कहा तिब्बत का जो पठार है ना, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और ये जो तिब्बत का पठार है इसका बहुत ज्यादा योगदान है भारतीय मानसून को लेकर। और तिब्बत के पठार के बारे में हमारे भारतीय भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कहा, कोटेश्वरम ने, पी कोटेश्वरम ने, कि ये तिब्बत का पठार है, ये हीट इंजन का काम करता है और भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सर्वोत्तम जो आदर्श दशाएं उत्पन्न होती हैं वो तिब्बत के पठार में होती हैं। इसके अलावा महासागरीय कुछ स्थितियां होती हैं, महासागरीय स्थितियां होती हैं। और महासागरीय जो स्थितियां होती हैं उन्हीं स्थितियों में से एक स्थिति है जिसे अपन अलमीनो और लानिनो। इसके अलावा जैसे हिंद महासागरीय डायपोल जिसे अपन कहते हैं हिंद महासागरीय डायपोल। इसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि दक्षिणी दोलन क्या है, तो कुछ महासागरीय धाराएं हैं वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं और कुछ कारक जो हैं जो जेट धाराएं हैं। तो अपने इन सम्मिलित आधुनिक सिद्धांत में अपन दोनों सिद्धांतों को एक साथ पढ़ेंगे, जेट धाराएं और महासागरीय स्थितियां। तो आधुनिक सिद्धांत में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या कहता है? इसका प्रतिपादन किया था, इसका प्रवर्तक जो है वो था, इसका प्रवर्तक। और प्रवर्तक
वर्तक जो है वो थे यीस्क महोदय तथा कोटेश्वरम, तथा कोटेश्वर, यीस्क महोदय तथा कोटेश्वरम, कोटेश्वर। और इन्होंने कहा कि जेट धाराएं जो हैं, जेट धाराएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जेट धाराएं क्या होती हैं, चलो इनको देख लेते हैं अपन क्या होती हैं। देखो भाई जेट धाराएं क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम भी बोल सकते हैं बेटा अपन, और इनको क्या बोलते हैं, धारा। एक्चुअल में होती क्या है कि आपको मैं बता देता हूं कि जब हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है और इस वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत है उसे अपन कहते हैं सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल। और जो सौरमंडल होता है इसकी सबसे ऊपरी जो परत है जहां से समताप मंडल शुरू होता है, क्या शुरू होता है? समताप मंडल। और सौरमंडल और समताप मंडल के बीच में जो इनको पृथक करता है उस स्थिति को अपन कहते हैं, अक्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? अक्षोभ सीमा। तो समझना बेटा कि ये जो अक्षोभ सीमा है, इस अक्षोभ सीमा के नीचे तीव्र गति से पवने चलती हैं। क्या चलती हैं? इस अक्षोभ सीमा के नीचे तीव्र गति से पवने चलती हैं। और ये जो तीव्र गति से पवने चलती हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम। तो आप क्या लिखोगे? आपको लिखना है कि जेट स्ट्रीम, हेडिंग डालना है जेट स्ट्रीम, और इसमें लिखना है कि अक्षोभ सीमा के नीचे तीव्र गति से चलने वाली सर्पिलाकार पवने जिनकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या होती है? ज्यादा। तो उसे अपन क्या कहेंगे? जेट स्ट्रीम। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी जेट स्ट्रीम जो है वो अक्षोभ सीमा के नीचे धरातल से 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर जो तीव्र सर्पिलाकार पवने चलती हैं जिनकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या होते हैं बेटा? अधिक होती है। जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम कहलाती है। हमने देखा सौर सीमा के नीचे धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तीव्र सर्पिलाकार पवने चलती हैं जिनकी गति 300 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम धाराएं। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो जेट स्ट्रीम धाराएं दो प्रकार की होती है। एक जिसे अपन कहते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और दूसरा जिसे अपन कहते हैं उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम।
अब समझना, हमने कहा उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो दिशा होती है, इनकी जो दिशा होती है वो दिशा होती है बेटा कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ये जाती किधर है? पूर्व की ओर। और आती किधर से है? पश्चिम से। कहां से आती है बेटा? पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इनकी जो दिशा होती है, इनकी जो दिशा होती है, इनकी दिशा होती है पूर्व से, पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी कि इनकी जो दिशा रहती है वो क्या रहती है? पूर्व से और पश्चिम की ओर। अब ये दोनों धाराएं जो होती हैं, ये भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करेंगी, समझना बेटा। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा जो है, ये लगभग 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसकी स्थिति रहती है। और यह भारत में शीतकालीन मानसून को प्रभावित करती है, शीतकालीन मानसून। और जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इसकी जो स्थिति रहती है वो रहती है 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और ये भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को क्या करता है? प्रभावित करता है। सबसे पहले ध्यान रखना क्वेश्चन फॉर्मेट में, यहां से प्रश्न क्या पूछेगा कि शीतकालीन, भारतीय शीतकालीन जो मानसून है उसको कौन सी जेट धारा प्रभावित करती है। तो आपको बताना है कौन सी करेगी बेटा, शीतकालीन मानसून जो है इसको प्रभावित करती है उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। उपोष्ण पश्चिमी, पश्चिम से आते हैं बेटा ये। और जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम है, ये प्रभावित करती है ग्रीष्मकालीन मानसून। किसको प्रभावित करेगी? ग्रीष्मकालीन मानसून को। अच्छे से ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये उष्ण है, और जबकि ये जो है ये कौन सी है? उपोषण है। कौन सी है? उपोषण। चलो अब देखते हैं दोनों धाराएं जो हैं वो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करेंगी। चलो समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि उपोषण जो पश्चिमी जेट धारा है, उपोषण पश्चिमी जेट धारा भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है, चलो देखो। समझना बड़े आराम से समझना। अब देखो बेटा, हमने कहा कि सितंबर का जो माह आता है इस समय ये अपना 0 डिग्री अक्षांश है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और ये 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर सूर्य सितंबर माह में सूर्य जो है वो 23 सितंबर को भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर सीधा समझता है। अब देखो, हमने कहा कि यहां भारत के उत्तर में हिमालय विस्तृत है। क्या विस्तृत है बेटा? हिमालय है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब हिमालय का क्या रोल रहेगा, चलो देखते हैं। हिमालय का रोल ये रहेगा बेटा कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं क्या है, उपोष्ण पश्चिमी जेट धाराएं। और ये किधर से चल के आएंगी? पश्चिम से। तो ये जब पश्चिम से चलकर आती हैं, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है बेटा। क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाती है। और ये दो भागों में बढ़कर एक हिमालय के नीचे से
और दूसरी धारा हिमालय के ऊपर से, एक धारा हिमालय के नीचे से और एक धारा हिमालय के उत्तर से, है ना। तो अब समझना इस बात को कि ये जो अपनी धारा है इसको अपन कहते हैं उत्तरी, उत्तरी जेट स्ट्रीम, उत्तरी जेट स्ट्रीम। और ये जो धारा है इसे अपन कहते हैं दक्षिणी, दक्षिणी जेट स्ट्रीम, उत्तरी जेट स्ट्रीम और दक्षिणी जेट स्ट्रीम। और ये जो धारा अपनी मुख्य जो धारा है ये चलकर आती है, जिसे अपन कहते हैं उपोष्ण, उपोष्ण पछवा, उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो धाराएं जो हैं, ये जो जेट स्ट्रीम है ये पश्चिम से चलकर आती है और इसकी जो स्थिति रहती है वो रहती है बेटा 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। जब ये उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम आती है तो हिमालय अवरोधक का कार्य करता है और ये दो धाराओं में उत्तरी और दक्षिणी जेट स्ट्रीम में बढ़ जाती है और जैसे ही हिमालय से आगे निकलती है पुनः ये एक हो जाती है और आगे बढ़ती है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये धारा जो है ये हिमालय की दक्षिण से आती है तो यहाँ जो पवने हैं भारत के उत्तर के मैदान में जो पवने हैं उन पवनों को नीचे धकेलती है, नीचे की ओर धकेलती हैं। यहां जो पवने हैं उनको नीचे की ओर धकेलेंगी तो वहां वायुदाब जो होगा वो उच्च होगा। क्या होगा? यहाँ का जो वायुदाब है, वायुदाब जो होगा वो होगा बेटा, यहाँ का वायुदाब जो होगा वो हाई प्रेशर बनेगा, उच्च वायुदाब बनेगा। और जैसे ही ये उच्च वायुदाब बनेगा यहां से जो पवने हैं वो इस दक्षिणी जेट स्ट्रीम धारा के सहारे सहारे बंगाल की खाड़ी की ओर आती है और बंगाल की खाड़ी में यहां हमें पता है कि 23.5 डिग्री करक रेखा जो है, 23.5 डिग्री करक रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरती है ना, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और जैसे दक्षिणी जेट स्ट्रीम की धारा इन पवनों के साथ में मिलकर आगे बढ़ती है तो बंगाल की खाड़ी में जैसे ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये पवने अपने पथ को परिवर्तित कर लेती हैं और ये व्यापारिक पवनों का अनुसरण करने लग जाती। अब दूसरा फैक्टर काम करता है यहाँ सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो हिंद महासागर का तापमान स्थल भाग की अपेक्षा अधिक होता है तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा। तो इस समय अपना उत्तर भारत जो है ये भारत ठंड की चपेट में रहता है और ये जो पछवा जेट स्ट्रीम धाराएं जो होती हैं ये भारत में शीत लहर लाती हैं। क्या लाती है बेटा? शीत लहर। इसके अलावा जैसे ये पछवा पवने जो होती हैं ये भूमध्य सागर के ऊपर से आती हैं तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभों का निर्माण होता है और वो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये इन पछवा पवनों के सहारे, जेट स्ट्रीम धाराओं के सहारे सारे उत्तर पश्चिमी भारत में आते हैं और जैसे ही उत्तर पश्चिमी भारत में आकर वर्षा करती हैं शीतकाल में तो इसे अपन कहते हैं मावठ। और ये जो मावठ है ये मावठ रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। रबी की फसल के लिए क्या होती है? अत्यधिक लाभदायक होती है भाई, है ना। आराम से समझो इस बात को और डायग्राम बनाओ, देखो हमने कहा कि उपोष्ण पछवा जेट स्ट्रीम जैसे ही सितंबर के आसपास आगे बढ़ती हैं तो हिमालय अवरोधक का कार्य करता है और जैसे ही हिमालय अवरोधक का कार्य करता है दो धाराओं में बढ़ जाती है उत्तरी और दक्षिणी।
दक्षिणी जेट स्ट्रीम धारा जो है वो यहाँ उत्तर भारत के जो ओमनी है उनके ऊपर दबाव डालेगी, और दबाव डालते हैं तो यहाँ हाई प्रेशर बनता है, और इन्हीं पवनों के प्रभाव से जब ये पवनी आगे बढ़ती हैं तो व्यापारिक पवनों से इनका टकराव होता है, व्यापारिक पवनी इनसे टकराती हैं, और फिर ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव के उनका अनुसरण करके और फिर आगे बढ़ती हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तर उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। और ये लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? इस भाग पर, और इस भाग को अपन क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है कौन? उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। अब देखो हमने एक कंप्लीट हुआ, समझ आया अच्छे से? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम से हिमावट होती है जो कि रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। इसे अपन कहते हैं सुनहरी बूंदे। माउंट को क्या कहते हैं? सुनहरी बूंदे, या इसी को अपन कहते हैं, इसी को अपन कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी, पूर्वी या जिसको बोलते हैं उष्ण जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है, यहां फिर आपको एक बार फिर से समझना होगा, हमने जब स्थिति देखी थी, हमने जब स्थिति देखी कि इनकी जो स्थिति है वो किन अक्षांशों के मध्य रहती है, बताओ भाई सब लोग, है ना, किन अक्षांशों के मध्य रहती है बताओ, बोलो। देखो अपने पिछली स्लाइड देखते हैं, और इस स्लाइड में हमने देखा, हमने क्या देखा? उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, जबकि उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है 35 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य रहते ना। अब इसी से समझना इस बात को, क्या होगा कि जब हमने कहा कि ये जो अपनी है, ये जो अपनी स्थिति है, ये जीरो डिग्री अक्षांश है। क्या है भाई अपना? जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश। और इसके बाद हमने कहा ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, और जून के माह में 21 जून को, 21 जून को सूर्य, सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, चमकता है कि नहीं। और इस समय हमने कहा कि ये जो अपना हिमालय है, ये जो अपना हिमालय है, ये जो अपना क्या है? हिमालय। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ये जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो थी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो थी, ये अब कहां चली जाएंगी? बेटा कहीं नहीं जाएंगी, चलेंगी चलेंगी, अब भी चलेंगी। लेकिन समझना, यहां हमने कहा कि यहां तिब्बत का पठार है। क्या है बेटा? तिब्बत का पठार। और ये तिब्बत का पठार जैसे ही सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो इसका प्रकाश तिब्बत के पठार पर अधिक जाता है, और ये तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये हमारे फर्श की तरह है, छत की तरह है ना, फ्लैट है, फ्लैट है। और होता क्या है कि ये जो 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 पछुआ पवने जो पहले जेट स्ट्रीम चल रही थी, जो जेट स्ट्रीम चल रही थी पहले, वो चल अब भी रही है। क्या कर रही है? अब भी चल रही है, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल गई बेटा। क्यों बदल गई? अब जो पवनें चल रही हैं, वो पछुआ पवनें चल रही हैं कितने अक्षांशों पर? 35 से 45 डिग्री अक्षांशों पर, 35 से 45 डिग्री अक्षांशों पर। समझना, अब अगर ये जेट धारा हिमालय के उसी भाग से टकराती तो 21 जून को जब कर्क रेखा के पास सूर्य जाता तो यहां थार के मरुस्थल में तापमान घट ही नहीं पाता, यहां तापमान घट ही नहीं पाता। और तापमान कम अगर यहां नहीं होता, तापमान अगर यहां कम नहीं होता तो भारतीय मानसून की तरफ हिंद महासागरीय पवने नहीं चलती, नहीं चलती ना।
अब हुआ क्या कि ये जो अपनी पश्चिमी उपोष्ण जेठ धारा जो धाराएं जो थी इनकी स्थिति कहां बदल गई, 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। और जैसे ही ऊपर गई तो 21 जून को जब सूर्य यहां सीधा पड़ा तिब्बत के पठार पर, तो ये अत्यधिक गर्म होता है, और ये अत्यधिक गर्म होता है तो यहां से सहमनी गर्म पवनी ऊपर उठती है, और जैसे ही ऊपर उठती हैं तो घड़ी की सुई की दिशा में यहां एक सर्कल बनता है, परिसंसरण तंत्र बनता है, और इसी घड़ी की सुई की दिशा में ये पवनी वापस जब नीचे उतरती हैं, यहां से जब ये पवनी नीचे उतरती हैं तो ये उतरती हैं बेटा विषुवत रेखा के पास। कहां उतरती हैं? विषुवत रेखा के पास। और जैसे ही ये विषुवत रेखा के पास में नीचे उतरती हैं तो ये उतरती हैं मेडागास्कर के पास। और मेडागास्कर के पास उतरती हैं तो आपको पता है इस समय जो अपना हिंद महासागर है इसका तापमान वैसे ही कम है। दूसरा फैक्टर क्या काम किया कि जो तिब्बत के पठार से गर्म पवनी नीचे उतर रही है वो विषुवत रेखा के पास उतर रही है, मेडागास्कर के पास उतर रही है, और ये यहाँ उच्च वायुदाब बनाएंगे। क्या बनाएंगी? उच्च वायुदाब। और ये उच्च वायुदाब जब हिंद महासागर में निर्मित होगा तो ये उच्च वायुदाब भारतीय मानसून को और अधिक मजबूत बनाएगा। समझ नहीं आ रहा बेटा? नहीं आ रहा ना, कोई बात, चलो समझ फिर समझते हैं क्या करेंगे, चलो देखते समझते हैं इस बात, है ना, समझते हैं इस बात। टेंशन मत लो बेटा, समझेंगे, क्यों नहीं समझ आएगा। ये अपना विश्व है ना। चलो, और हमने क्या कहा कि यहां से जो जेड धाराएं चलती हैं इसे अपन कहते हैं उपोष्ण पश्चिमी जेड धाराएं। उपोष्ण पश्चिमी जो जेड धाराएं हैं वो चलती हैं, ठीक है ना। और ये जो उपोष्ण जो पश्चिमी जेड धाराएं हैं इनकी स्थिति होती है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। और हमने कहा कि ये जो कर्क रेखा है अपनी, जिसे अपन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है 21 जून को सीधा। और जैसे ही सूर्य सीधा चमकता है तो यहां जो अपना तिब्बत का पठार है ये अत्यधिक गर्म होता है, और गर्म होकर यहाँ से सहमनी पवनी ऊपर उठती हैं और इन जेट धाराओं के संपर्क में आकर यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में परिसंसरण तंत्र विकसित करती हैं, एक वायु का परिसंसरण विकसित करती हैं, और इन्हीं पवनों के प्रभाव से जब ये घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ती हैं तो उत्तर भारत से होते हुए ये मेडागास्कर द्वीप पर नीचे उतरती, मेडागास्कर द्वीप पर नीचे उतरती है। और जैसे ही मेडागास्कर द्वीप पर नीचे उतरती है तो यहां जो पवनें होंगी बेटा उन पवनों को ये दूर धकेलती है, दूर दबाव डालेंगे तो यहां हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, एक फैक्टर काम किया कि नहीं किया, यहां हाई प्रेशर बेल्ट बना। दूसरा, जैसे ये उत्तर भारत से होती हुई नीचे आती है तो उत्तर भारत में जो थार का मरुस्थल था उसका तापमान और अधिक बढ़ा देती, जिससे यहाँ और अधिक लो प्रेशर बनेगा। तो यहां हमने कहा कि हिंद महासागर में यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, उच्च वायुदाब बन रहा है, और उत्तर भारत जो तिब्बत का जो पठार है, जो थार का जो मरुस्थल है, यहाँ निम्न वायुदाब बन रहा है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं, और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है, और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है बेटा यहाँ। और इसी के साथ हमने एक सिद्धांत यहाँ कंप्लीट किया है, क्या किया देखो समझते हैं।
सबसे पहले कहा कि जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति है उसमें आधुनिक कारक कौन सा है, जैसे तापमान है, आईटीसी जेड है, जेड धाराएं हैं, इसी का भाग है तिब्बत का पठार और महासागरीय स्थितियां जिसमें अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन और हिंद महासागरीय डायपोल। हमने कहा जेट स्ट्रीम धाराएं जो है ये ईस्ट और कोटेश्वरम ने दिया। कहा कि जेट धाराएं भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। अब कैसे करती हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं जेट धाराएं शोभ सीमा के नीचे धरातल से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तीव्र सर्पिलाकार पवने चलती हैं जिनकी गति 300 किलोमीटर से ज्यादा होती है भाई, है ना, इन्हीं को अपन जेट स्ट्रीम कहते हैं। दो धाराएं होती हैं, एक उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक उष्ण पूर्वी। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारत में शीतकालीन मानसून जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये जो शीतकालीन मानसून होता है ये वर्षा करता है कोरोमंडल तट पर। कहां वर्षा करता है? कोरोमंडल तट पर। और ये जो ग्रीष्मकालीन मानसून है इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट हमने कहा कि जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है दो धाराओं में बढ़ती है और इस कंप्लीट प्रक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, अच्छे से नोट्स बनाने। इसके अलावा मैंने कहा कि ये जो अपनी जेट स्ट्रीम की धारा है इसको अपन कहते हैं उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में सहायक है। इसके बाद हमने कहा कि किस प्रकार से सहायक है वो मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दी है बेटा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और नेक्स्ट अपना कल मॉर्निंग में अपना इससे आगे का टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद एक क्लास और होगी इसमें, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय मौसम जो विभाग है उसने ऋतुओं का विभाजन किया है, उसमें एक एक वीडियो में कंप्लीट ऋतुएं और एक वीडियो अपना बनेगा जिसमें अल नीनो, ला नीनो, हिंद महासागरीय डायपोल की स्थितियां अपन देखेंगे जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ओके, धन्यवाद सबको भाई।